हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर एज अ जनरल स्टूडेंट आप जॉब प्रोफाइल जाना चाह रहे हैं सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैलरी ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP। जी दोस्तों, जो सिविल जज होते हैं जूनियर डिवीज़न के और जो सेकेंड स्टेज ACP में प्रमोट होते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल जानेंगे या सैलरी जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं। एक तो प्रोबेशनरी पीरियड, जब सिविल जज भर्ती होते हैं तब उनकी सैलरी, तनख्वाह, प्रमोशन, देन फर्स्ट स्टेज ACP का भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन से भी जाके देख सकते हैं। और सरकारी वकील की भी जो जॉब प्रोफाइल है वो भी मैंने बना रखी है, जिसे आप यूजुअली APP या APO कहते हैं। दोस्तों, जो सैलरी ऑफ सिविल जज है इसको हम जनरली चार पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट रहेगा डेजिग्नेशन या पदनाम। थर्ड पॉइंट रहेगा सैलरी या तनख्वाह। फोर्थ पॉइंट में हम जानेंगे पक्ष या सुविधाएं। जो पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, उसमें जानेंगे सिविल जज को राज्य सरकार या हाईकोर्ट नियुक्त करती है। एज यू नो, सिविल जज होते हैं इन्हें या तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी या हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय होता है जो राज्य का, वो रिक्रूट करते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर पहले PCS रिक्रूट करती थी RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और अब HC राज, हाईकोर्ट राजस्थान, इनको रिक्रूट करती है। और ये रिक्रूट होते हैं सिविल जज एंट्री लेवल और प्रोबेशन लेवल पे। ये उनका सेकंड प्रमोशन है। फर्स्ट प्रमोशन रहता है फर्स्ट ACP और सेकंड प्रमोशन रहता है सेकंड स्टेज ACP। और यूजुअली सेकंड स्टेज ACP में आते नहीं, उससे पहले वो सीनियर डिवीज़न प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, पहले मैंने दो वीडियो बना रखे हैं वो, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिविल जज बनने के लिए LLB की डिग्री चाहिए। एज यू नो कि LLB लेक्स लेगम और बैकलॉरस की डिग्री चाहिए, चाहे वो 3 ईयर लॉ चाहे 5 ईयर लॉ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि आप सिविल जज बनना चाहते हैं तो आपको या तो 12th के बाद, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप क्लैट का एग्ज़ाम दीजिए और 5 ईयर लॉ में चले जाइए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, या फिर आपने BA, BCOM, BBA, BSc कुछ भी डिग्री कर रखी है अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आप 3 ईयर LLB कर सकते हो कोई भी लोकल कॉलेज या लोकल यूनिवर्सिटी से। सिविल जज बनने के लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। एज यू नो कि सिविल जज बनने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कोई भी स्टेट के अंदर। सिविल जज बनने के लिए 21 वर्ष से 35 वर्ष के LLB डिग्री धारक आवेदन कर सकते हैं। जी दोस्तों, सिविल जज बनने के लिए 21 से 35 वर्ष की जो एज आयु है, इस एज के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और वो एलिजिबल हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, पहले ये 23 ईयर्स था, 23 साल, अब कुछ स्टेट्स ने 21 साल कर दिया है। सेकेंड पॉइंट में हम जानेंगे डेजिग्नेशन या पदनाम। सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP को स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं। ये स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। और सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकेंड स्टेज ACP को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं वहाँ पर इनको स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहेंगे, जो सेकेंड स्टेज ACP के सिविल जजेस हैं। सिविल जज लोअर जुडिशरी या सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में आते हैं। दोस्तों, ये सब ऑर्डिनेट जुडिशरी या लोअर जुडिशरी का एक पार्ट है। हायर जुडिशरी में जाओगे तो फिर आप डायरेक्ट हाई जुडिशरी में एंट्री करना चाहते हो तो आपको ADJ का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का। फिर यदि आप सीनियर एडवोकेट हो, देन यू विल बी रिक्रूटेड एज हाई कोर्ट जजेस विद द हेल्प ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। यदि इनकी पदस्थापना कोर्ट के अतिरिक्त होती है तो इन्हें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर एट जुडिशियल अकेडमी भी बनाया जा सकता है। जी दोस्तों, आप कई बार देखते होंगे, जैसे कोई IPS है या कोई IAS है, जब वो डेप्यूटेशन पे जाते हैं या फिर वो किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरी संस्था में जाते हैं अपने जो नॉर्मल काम को छोड़ के, तो उनका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो जाता है। यूजुअली ऐसा ही जजेस में होता है। यदि आप स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं या फिर सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकंड स्टेज ACP हैं, तो कोर्ट्स में रहोगे तो आप रहोगे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में रहोगे तो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, या फिर आप कह सकते हो कई जगह जो सेकंड स्टेज ACP के जूनियर डिवीज़न सिविल जज हैं इनको रेलवे मैजिस्ट्रेट भी बनाया जा सकता है। और ऐसे ही यदि आप जुडिशियल अकेडमी जो स्टेट के द्वारा होती है, स्टेट की होती है जहाँ पे ये जुडिशियल एस्पिरेंट्स होते हैं जो सेलेक्टेड होते हैं जजेस, वो ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ पर आप असिस्टेंट डायरेक्टर एट जुडिशियल अकेडमी भी बनाया जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे सैलरी या तनख्वाह। हर राज्य के सिविल जज जूनियर डिवीजन सेकंड स्टेज ACP की तनख्वाह सैलरी बराबर होती है। एज यू नो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट NJPC, फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन के तहत सभी राज्य के जितने भी जजेस हैं उनकी सैलरी सेम रहेगी।
अभी तक सिविल जज की तनख्वाह फर्स्ट एनजेपीसी के हिसाब से मिल रही है, सेकंड एनजेपीसी की रिकमेंडेशंस आ चुकी है। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं सर सैलरी तो बढ़ गई ना दोस्तों, लेकिन वो रिकमेंडेशंस हैं जो आपके हाईकोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और चीफ जस्टिस की जो सैलरी है वो तो बढ़ गई है, लेकिन जो अभी रिकमेंडेशन से ये अप्लाई नहीं हुए हैं और कोरोना के चलते मुझे लगता भी नहीं है कि ये भी जल्दी अप्लाई होंगे। यह तनख्वाह मात्र 5 साल तक रहती है, उसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकंड स्टेज एसीपी का प्रमोशन हो जाता है एवं वह सिविल जज सीनियर डिवीज़न एंट्री लेवल के पद पर आ जाते हैं। जी दोस्तों, यूजुअली ये 5 साल तक इनकी सैलरी रहती है, उसके बाद ये प्रमोट हो जाते हैं, सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकंड स्टेज एसीपी का प्रमोशन हो जाता है, ये प्रमोट हो जाते हैं और सिविल जज सीनियर डिवीज़न एंट्री लेवल के पद पर आ जाते हैं। अभी तक ये जूनियर डिवीज़न में थे, चाहे वो प्रोबेशनरी हो जूनियर डिवीज़न, चाहे फर्स्ट स्टेज एसीपी हो, चाहे सेकंड स्टेज एसीपी हो, इसके बाद में ये प्रमोट होकर सीनियर डिवीज़न लेवल में आ जाते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीज़न। अब इनकी सैलरी हम जान लेते हैं। मूल वेतन रहेगा, जिसे बेसिक पे कहते हैं, 39,530 रुपीस। महंगाई भत्ता DNS अलाउंस 64,864% है। कुछ स्टेट्स में, कुछ स्टेट में कम ज़्यादा हो सकता है, ये DNS अलाउंस इज अ मैटर ऑफ स्टेट, यदि आप जजेस के बारे में जानोगे तो। और दूसरी बात मैं बता दूं, DF फ्रीज हो चुका है 1.5 साल के लिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए, शायद स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का भी DF फ्रीज हो जाए। UP गवर्नमेंट ने आज कर दिया है कि DA 6 महीने के लिए ऐसा कुछ फ्रीज हो जाएगा, कुछ अलाउंसेज और होंगे, तो इसका मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। DA क्या है ये जानना चाहते हो तो भी ये वीडियो बना रखा है मैंने, और DA फ्रीज होगा 1.5 साल के लिए, मिलेगा ही नहीं ना बढ़ेगा, इसका भी आप वीडियो देख सकते हो। फिर CCST कंपनसेंट्री अलाउंसेज 500, बाकी स्टेट पे डिपेंड करता है, और समटेरी अलाउंसेज 1500, 1500 रुपये समटेरी अलाउंस मिलता है, ये मतलब कुछ आपको जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं सब्जेक्टिव एक्सपेंडिचर उनको एक्सपेंड करने के लिए। फिर होता है होम ऑर्डरली अलाउंस 2000 रुपये मिलता है, न्यूज़पेपर मैगजीन अलाउंस 500 रुपये मिलता है। HR, यदि आपको बंगलो नहीं है या सरकारी आवास नहीं है तो 20% यूजुअली रहता है, तो आपको हाउस रेंट अलाउंस 7,900 रुपीज़ मिलेगा। HRA का भी डिटेल वीडियो बना रखा है मैंने, वो देख लीजिएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से शहर के अंदर कितना परसेंट HRA, क्योंकि ये तो वही 8-16-24 आपको मालूम होगा, 8%, 16%, 24% की सिटीज रहती है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है। फिर जो आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी वो बनेगी 1,16,000 रुपये, कैन बी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, कुछ स्टेट्स के अंदर अलाउंसेज में कटौतियाँ हो सकती है, कुछ स्टेट में अलाउंसेज ज़्यादा हो सकते हैं, तो 2-5 हज़ार का ऊपर नीचे हो सकता है। ग्रॉस सैलरी विल भी 1,16,000, 1,16,000 रुपये रहेगी किसकी, सिविल जज सेकंड स्टेज ACP जूनियर डिवीज़न। देन हम जानेंगे डिडक्शंस, डिडक्शन यूजुअली 17,000 रुपये के होंगे, और डिडक्शन में आप जान लीजिए PF कटेगा 5,000 रुपये, LIC या SI स्टेट इंश्योरेंस ये आप पे डिपेंड करता है, और फिर आपका इनकम टैक्स कटेगा 12,000 रुपये, और यदि आपने इसमें भी कुछ डिडक्शंस ले रखे हैं जैसे कि ATCCD 1B या फिर ATC, ये सब डिडक्शन होते हैं जो इनकम टैक्स में यूजुअली होते हैं, जिनमें आपको टैक्स की बचत कर सकते हो, और तो फिर इनकम टैक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 8-7 हज़ार हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, और आपने जो नॉर्मली डिडक्शन भी ले रखी है तो आपका इनकम टैक्स बढ़ जाएगा, लेकिन जो यूजुअली इनकम टैक्स कटता है वो कटता है 12,000 के करीब। और ऑन एन एवरेज जो इनकी नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी 99,000 या 1 लाख के आसपास, 1 लाख एवरेज रहता है सीनियर सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेकंड स्टेज ACP की बात कर रहा हूँ मैं। अब पक्स और फैसिलिटी जानेंगे, यानी क्या सुविधाएँ, सरकारी सुविधाएँ उनको मिलती है। अब इसमें भी मैं आपको एक कंडीशन डाल देता हूँ कि ये स्टेट पे डिपेंड करता है कि किसको क्या सुविधाएं देनी है, लेकिन कुछ जनरल सुविधाएं सबको मिलती है। पहला है गवर्नमेंट बंगलो या फिर सरकारी आवास, देन गवर्नमेंट व्हीकल या जिसे आप कहते हैं कि सरकारी गाड़ी, ये कुछ स्टेट्स में इसका एक्सेप्शन है, कुछ स्टेट में नहीं दी जाती है, और इसके बिहाफ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल जाएगा। फिर टेलीफोन चार्जेस, ये रिडीमेबल होते हैं कि आपको 1000 STD कॉल, 1000 लोकल कॉल्स, ये सब फ्री मिलते हैं, ये भी स्टेट का इशू है, स्टेट पर डिपेंड करता है। हाफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जी दोस्तों आधी इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना रहता है, आधा इलेक्ट्रिसिटी बिल स्टेट देगा, ये कुछ स्टेट के अंदर तो ऐसा रूल है, बाकी का स्टेट पर वेरी करता है। वाटर चार्जेस कुछ 1000 लीटर या कुछ ऐसा रहता है कि वो आपके रिडीम हो जाएंगे या फिर आपके फ्री हो जाएंगे, और उसके ऊपर जितना भी आपका बिल आएगा वो स्टेट को देना पड़ता है। देन हम बात करेंगे गनमैन की, इसके अंदर भी एक्सेप्शन है, स्टेट पे डिपेंड करता है, और ये एक डेजिग्नेशन पे भी डिपेंड करता है, आपके पास कौन सा डेजिग्नेशन है उस टाइम, तो ये गनमैन आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि यूजुअली स्टेट पुलिस का कॉन्स्टेबल होता है, और गनमैन एक्सेप्शन केसेस में रहता है सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए तो एटलीस्ट, और आगे जैसे आप प्रमोट होते तो आपको गनमैन मिलता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।